हेलो दोस्तों, आज मैं अपना पूरा घर दिखाने वाला हूँ कि मेरे घर में कैसे गौरैया चिड़ियाँ रहती हैं। तो मैं जगह जगह इस तरह से सिरिंज के डिब्बे, जो डिस्पोजल के डिब्बे होते हैं, उनको काट काट के जगह जगह रख दिया गया है। तो इसमें चिड़ियाँ, गौरैया चिड़ियाँ आके रहती हैं। यही तो ये नज़ारा देखने में बहुत प्यारा लगता है। जो चिड़ियाँ हमेशा बोलती रहती हैं, तो जैसे लगता है कि हम किसी बगीचे में हैं। तो देखिए, इस तरह से गाटर के नीचे इस तरह से चिड़ियाँ रहती हैं। इधर देखिए, मैंने रख रखा है। इधर देखिए, पीछे बनाए हैं। इधर इस तरह से पूरे घर में 50 जगह इस तरह से डब्बे बना के रखे गए हैं। तो चिड़ियाँ इधर चारों तरफ रहती हैं और इनकी वजह से छत पे फैन नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि छत पे जब फैन चलते हैं तो इनको चोट लग जाती है। तो इस वजह से फैन को नहीं चलाया जाता, और जो लगे हैं और जो नहीं लगे हैं, इस तरह से टेबल फैन लगाए गए हैं। टेबल फैन, कूलर, तो यही सब चलते हैं। छत वाले फैन नहीं लगाए गए हैं। जो लगे हैं उनको चलाया नहीं जाता, उनको रात में यूज किया जाता है। यह है कूलर। इस तरह से फैन चारों तरफ लगाए गए हैं, जिससे किसी चिड़िया को चोट ना लगे। छत वाला फैन ऊपर चलता है तो चिड़ियों को चोट लग जाती है, तो घायल हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से रखे गए हैं। तो चिड़ियाँ अपना आती रहें जाती हैं, अपने अंडे बच्चों को खाना खिलाती रहती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो चिड़ियाँ आसपास आके बैठ जाती हैं, तो हम उनको चारा डाल देते हैं, तो उसमें खा के चली जाती हैं। आगे मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, जो है अपना पूरा घर, इस तरह से कैसे सब चिड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। देखिए, एक चिड़िया आई, जो है अपने बच्चे को चारा डालेगी और चली जाएगी। ऐसे चिड़ियाँ बार बार आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो अभी हाल ही में ऊपर का फैन चल रहा था, तो एक चिड़िया घायल हो गई थी, तो उनके बच्चे तो इस तरह से है, तो उनको हाथ से जो है हम लोग डेली चारा खिलाते हैं। तो इस तरह से चिड़ियाँ, जब इनको भूख लगती है तो चिल्लाने लगते हैं और हम इनको चारा डाल देते हैं। यह है चावल, जिनको हम पका के इनको खिला रहे हैं। तो इस तरह से चिड़ियाँ हमेशा बोलती रहती हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी खुले में बगीचे में घूम रहे हों। तो बहुत ही अच्छा लगता है। लोग आते हैं, देखते हैं, उनको भी हमारा घर बहुत पसंद आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो कैसा लगा हमारा ये घर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद।